नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि RRB जोन कौन सा चूज करे, क्या इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन इस RRB जोन में हो जाएगा क्या। तो उन सभी सारे डाउट का क्लियर आज मैं इसी वीडियो में कर दूंगा। आपके मन में जितने भी ये डाउट चल रहे हैं, इस RRB में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इतने नंबर है, ये RRB मेरा कैसा रहेगा, सारा का सारा डाउट आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपका क्लियर कर दूंगा। आपको किसी भी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका मन है तो आप दूसरे वीडियो देखते रहिए, पर आपका सारा डाउट आज इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास से बने बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो ये मेरा चैनल है, ये एक हिंदी भाषी ऑनलाइन सामान्य जानकारी हासिल करने का एकमात्र एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जानकारियाँ, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, इंटरव्यू के अमेजिंग क्वेश्चन, विभिन्न एग्जाम के कट ऑफ, उनका एनालिसिस, GK के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, साइंस और मैथ्स की ट्रिक और भी बहुत सारे टॉपिक पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, और ये आपको वीडियो आज अच्छा लगे तो इसको लाइक करने के बाद ही वीडियो बैक करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल जो पोस्टें हैं ना RRB में, RRB की सभी जोनों की जो टोटल पोस्टें हैं LP और टेक्नीशियन की, वो है 64,371 पोस्टें हैं, 64,371 पोस्ट है, जिसमें से जो ALP की पोस्ट है वो है 27,795 और जो टेक्नीशियन की पोस्टें हैं वो है 36,576 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, जो ये ALP की पोस्टें हैं, इन पर ITI के अभ्यर्थी, डिप्लोमा के अभ्यर्थी, BTEC के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, 12th PCM वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो ये 36,576 पोस्ट हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया, एक तो जो ट्रेड वाइड ITI के हिसाब से बांटा गया है और दूसरा जो S और SNT की जो पोस्टें हैं उनमें अलग बांटा गया है। जो ये SNT की पोस्ट हैं, इन पर 12th PCM वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट 12th PCM के साथ में डिप्लोमा या BTEC है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए कल 1 तारीख को एक लिंक ओपन होगा फिर से, तो जिन्होंने डिप्लोमा या BTEC धारियों ने अपना 12th PCM का क्वालिफिकेशन नहीं लगाया है तो वो कल एक बार क्वालिफिकेशन लगा दीजिए, ताकि आप भी SNT की पोस्टें अप्लाई कर सकें। बाकी जो भी टेक्नीशियन की पोस्टें बचती है उन पर ITI के विद्यार्थी ही अप्लाई कर पाएंगे। तो जो डिप्लोमा धारी या BTEC धारी जिन्होंने 12th PCM से कर रखा है, BTEC वालों ने 12th PCM से ही कर रखा है, जिन्होंने डिप्लोमा वालों ने 12th PCM से किया है, तो वो कल एक बार अपना 12th PCM का क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद ही RRB चूज कीजिएगा। तो जिसके अंदर बाद में आपको जो पोस्टें हैं वो SNT की पोस्टें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कल की डेट में फॉर्म फिर से स्टार्ट होने वाला है, कल की डेट 1/10/2018 को फॉर्म फिर से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आप क्वालिफिकेशन, पोस्ट, RRB और बैंक अकाउंट का मॉडिफाई फिर से कर सकते हैं। और इसके साथ में लास्ट डेट भी बता देता हूँ आपको, 6/10/18 इसकी लास्ट डेट है। अब जो आपके मन में जो डाउट चल रहा है, कौन सा RRB चुने, इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो उसका भी मैं भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखते रहिएगा। ये दोस्तों, आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी, जिस पर यहाँ की तरफ जो सारी पोस्टें दिख रही है, ये सारी पोस्टें ALP के लिए है, और ये जो सारी पोस्टें दिख रही है, ये सारी की सारी पोस्टें टेक्निकल के लिए। तो हम पहले सभी जोन वाइज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो अहमदाबाद की पोस्ट शो कर रही है वो 365 है, अजमेर में 1110 है, इसी तरह से यहाँ सारी पोस्टें दिखाई गई है। तो कई विद्यार्थियों के मन में ये डाउट चल रहा है कि जहाँ पर कम पोस्टें हैं वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो पिछली बार ऐसा हुआ था
कि कई बच्चों ने त्रिवेंद्रपुरम में कम पोस्टें थी तो वहाँ पर अप्लाई कर दिया था, तो वहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा चली गई थी, क्योंकि 1 साल 1 2 साल पहले जब वैकेंसी आई थी तो त्रिवेंद्रपुरम में पोस्टें कम थी, लेकिन वहाँ पर कट ऑफ भी कम गई थी, जिसकी वजह से अगली बार जब रिक्रूटमेंट आई तो सभी बच्चों ने वहीं पर अप्लाई कर दिया और वहाँ की कट ऑफ हाई चली गई थी। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, जहाँ पर कम पोस्ट हैं वहाँ पर तो वहाँ के जो लड़के रहने वाले हैं वो सभी विद्यार्थी तो वहाँ अप्लाई करेंगे ही, जिनके ज़्यादा मार्क्स है या तो 2 3 ऊपर नीचे मार्क्स है तो वो वहाँ तो अप्लाई करेंगे ही, और साथ में जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट हैं तो वहाँ पर भी वो अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा मार्क्स जिनके आ रहे हैं वो तो अपने को सभी जगह स्टूडेंट मिलने वाले हैं। अगर हम जैसे कम मार्क्स जैसे कम पद है, कौन कौन से जोन में कम पद है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, और चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू हो गया, और मुजफ्फ़र हो गया, पटना हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, और त्रिवेंद्रपुरम हो गया, तो यहाँ पर पोस्टें कम है, यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट तो है ही, अगर कम मार्क्स वाले अपन वहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पोस्टें कम है, जिसकी वजह से कट ऑफ तो यहाँ की हाई जाएगी, तो कम मार्क्स वाले स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन का परसेंट बहुत ही कम हो जाता है। तो जिनके मार्क्स कम है वो इन जोन से अप्लाई नहीं करे तो अच्छा है, फिर आपकी इच्छा है जहाँ पर आप अप्लाई करो, मैं कोई मना करने वाला होता नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से ये पोस्टें एक बहुत कम होने के कारण यहाँ पर कम मार्क्स वाले अप्लाई ना करें तो अच्छा है। जैसे कि ज़्यादा मार्क्स वालों की बात करते हैं, ज़्यादा पोस्टें जहाँ पर है, ज़्यादा मार्क्स वाले सब जगह ज़्यादा पोस्टें हैं, जैसे अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, गोरखपुर है, कोलकाता है, मालदा है, मुंबई है, पटना है, सिकंदराबाद है, तो यहाँ पर पोस्टेज ज़्यादा है, यहाँ पर कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन का एरिया कुछ बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि भुवनेश्वर में टोटल पोस्टें हैं 2228 पोस्टें, अगर इसका 15 गुना किया जाए तो लगभग 35,000 पोस्टें बनती है, सिर्फ किसके लिए, ALP के लिए 35,000 पोस्ट बनती है। तो यहाँ पर कम मार्क्स वालों के सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स वालों का लगभग कितने होंगे, 15,000 होंगे, 5,000, 15,000 तो ज़्यादा में ज़्यादा होंगे, लेकिन 5,000 10,000 ही होंगे, तो यहाँ पर कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरी माने तो जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट हैं वहीं पर अप्लाई करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों ये तो थी ALP की बात, ऐसा ऐसा गणित यहीं टेक्नीशियन में लागू होता है, टेक्निकल की पोस्टों में भी ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ITI के ऐसे 50% स्टूडेंट है जिनके 15 से कम मार्क्स आ रहे हैं, या दोस्तों 15 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 12 13 वालों की तो भीड़ लगी है, लाइन लगी हुई है, उनका तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन 15 से 30 के अंदर भी ऐसे 40% स्टूडेंट है जिनके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो इसी प्रकार से अपना हिसाब लगा के ट्रेड वाइड, यानी कि अरे प्रत्येक जोन का अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग पोस्टों को बांटा गया है, तो अपने ट्रेड के हिसाब से सभी जोन की अपने पोस्टें देख के ही अप्लाई करे, जिस ट्रेड की जहाँ पर पोस्टें ज़्यादा है उसी के हिसाब से वहाँ अप्लाई करें। तो दोस्तों ये तो था गणित ट्रेड का और अप्लाई करने का कि कौन से जोन से अप्लाई करें, तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं नहीं भूले। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे, बाय बाय।